कुछ दे दे। अरे इसमें पानी का, अरे ये तो असली है। क्या हुआ भैया? अब हमारे पास कुछ नहीं है, इनके पास है। मजाक करता है। अरे मेरे पास कुछ नहीं है, जो कुछ भी मैं इनके पास है इसको ले जाओ। हमारे पास इस अलमार में नाड़ा है वो हम नहीं दे सकते। हमारे पास जो पैसा था हमने इनको दे दिया। हाँ ले जाओ ले जाओ। नहीं 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 ले जाइए। अरे भैया, अरे कान के झुमके रह गए पागल। अरे जल्दी में चला गया बेचारा। अब हम शॉपिंग कैसे करेंगे? अरे बाहर देखें शॉपिंग, हमारे अम्मा के पैसे थे इसमें शायद। हाँ तो गए ना। चलो चलो। अरे हेलो। हाँ वजीरन। अरे गुन्नू के घर आ रही हो ना कल ईद करने? हैं? है तुम ईद करने हैदराबाद जाओगी? भाई तुम्हारे फैसले भी दुनिया से निराले होते हैं। पूरा साल ससुराल नहीं जाती, इसे ईद के दिन याद आ जाते हैं तुम्हें। अच्छा बस ज्यादा गुस्सा ना दिलाओ। अच्छा बंद करो फोन, चलो बात ना करो मुझसे। अरे अम्मा तुमको कोई लाइफ लड़ने को नहीं मिलता, तुम फोन कर लेती हो। अरे चुप रह, फोन कर लेती हो। इतनी देर कहाँ लग गई तुम लोगों को? देर कहाँ, 3 घंटे में तो आ गए। और क्या, पहले नौसी ने शॉपिंग की, फिर हमने खाने का प्रोग्राम किया, वापस। अच्छा भाई लाओ मेरा सामान। दो कौन सा सामान? वो जारबन और बनियान। जी वो तो नहीं लाए। आए क्यों नहीं लाए? अरे बाप रे वो तो हम भूल गए। अच्छा अपने सारे काम याद है, मेरा ही काम भूल गए है? घूमो गंदी बनियान और गंदे जारबंदों में ईद के दिन। हम बिल्कुल ही भूल गए अम्मा। नौसी जी आपने याद नहीं दिलाया, आप भी भूल गई होंगी। नहीं नहीं मुझे याद था। याद था तो फिर क्यों नहीं लेके आई? निकाल मेरे पैसे वापस। वो तो लुट गए। लुट गए कैसे? हाँ तो प्यारे मेरे पैसे तो शॉपिंग करके खत्म हो गए थे ना, जब वो डाकू लूटने के लिए आया तो खैरन के 400 रुपए पड़े थे, वही ले गया। अरे कौन से डाकू? अरे अम्मा एक निहायत ही जरूरतमंद लड़का आया था इनका पर्स छीनने के लिए। कमबख्त, पैसे मैंने तुझे दिए थे, इसके पर्स में कहाँ से आ गए? अरे हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं अम्मा। अरे तू ना अपनी सारी जायदाद इसके पर्स में रखवा के और लुटवा देना। अम्मा अरे चुप कर अम्मा के बच्चे कहाँ है।